नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं खुरहुर की सब्जी बनाऊंगी। खुरहुर की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये हम खुरहुर लिए हैं, हमारे गांव में ये होता है खुरहुर, और इसको ये इमली का फूल भी है। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये प्याज लिए हैं, काट लिए हैं, लहसुन, अदरक, दो हरा मिर्च। फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इन चारों को मिला के पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों हम इसमें इसलिए पीसते हैं, इसमें हल्का दरदरा पीसता है, मिक्सी जार में ज़्यादा महीन हो जाता है। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो गया, देखिए हल्का दरदरा है। फिर चलिए सब्जी बनाते हैं। इसको सबसे पहले हम उबालेंगे। इसमें हम एक ग्लास पानी डाल दिए हैं, अब ये गरम होगा। पानी गरम हो गया है, इमली का फूल हम इसी में डाल दे रहे हैं। अब हम इसको ढक दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। यही चेक करते हैं, 5-6 मिनट हो गया है। ये देखिए फूल हमारा पक गया है अच्छे से। गैस को आप बंद कर दे रहे हैं। अब इसको ये छन्नी में इसको डाल दे रहे हैं पानी, ताकि हमारा निकल जाए, फूल अलग हो जाए। ये देखिए अच्छे से पसा लिए हैं। ये हम गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो गए है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच। जीरा हो गया है, प्याज भी इसमें डालेंगे। ये पेस्ट को डाल दिए हैं, अभी पेस्ट को भूनेंगे थोड़ी देर तक। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो भूनेंगे थोड़ी देर तक। प्याज हमारी भुन गई है, अब हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे। इसमें हम गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे। इसको ऐसे मिलाते हुए थोड़ा मसाला भी पकाएंगे। ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें इमली का फूल डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। ये देखिए हमारे गांव की इमली की फूल की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आप लोग को मिले इमली का फूल तो सब्जी ज़रूर बनाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।